हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहित। तो वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट से कोई पोस्ट या पेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो वेल, काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले जिस पेज या आर्टिकल को आपको हटाना होगा उस पेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो वेल, अगर आप पोस्ट हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पोस्ट में जाना होगा और ऑल पोस्ट में क्लिक करना होगा। तो वेल, यहाँ पे आपके सामने सारे पोस्ट खुल जाएंगे, जो भी आपको हटाना चाहना है उस पर आप उसे चूज़ करना होगा। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने काफ़ी तरह के ऑप्शन खुलते हैं, जैसे कि ये सारे पोस्ट हैं जो मैंने अभी तक अपडेट कर रखे हैं। तो आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहले पोस्ट पे अगर आप कर्सर लगाएंगे तो आपको नीचे एक पॉपअप ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि एडिट क्विक एडिट ट्रैश व्यू पर्ज फॉर्म कैची। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो चलिए, फ़िलहाल जैसे मैं अभी पोस्ट डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिसे डिलीट करना चाहता हूँ वो है पेज, और दोनों को डिलीट करने का जो तरीका है वो सेम है। तो मैं अपने एग्जांपल पेज को डिलीट करना करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डिलीट किया जाता है कोई पर्टिकुलर पोस्ट को। तो चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको। तो वेल, आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट को या कोई पर्टिकुलर पेज को कैसे डिलीट किया जाता है। तो वेल, जैसे आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ पॉपअप ऑप्शन खुलेंगे, जैसे एडिट क्विक एडिट और ट्रैश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रैश, वो सारे ऑप्शन सारे पेजेस या पोस्ट पे दिखेगा। जैसे आप हर पोस्ट या पेजेस पे कर्सर को लेके आएंगे, आपको हर पोस्ट या आर्टिकल पे ये ऑप्शन दिखेगा ट्रैश। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस ट्रैश पे क्लिक करना है। जिस आर्टिकल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके नीचे जो ट्रैश वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। वेन क्लिक करने के बाद आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रैश, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा होगा टू। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली ट्रैश फोल्डर पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। वेल, जैसे आप यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ट्रैश के अंदर आपके दो आर्टिकल हैं जिन्हें आपने ट्रैश में डाल रखा। तो जैसे आप ट्रैश में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिलीट परमानेंटली, तो आपको इसमें करना है क्लिक। तो वेल, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैश है एक हट जाएगा, यानी कि एक आपका डिलीट हो चुका है। अब दूसरा को भी आपको यही करना है। जैसे आप कर्सर लाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट परमानेंटली, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो वेल, आप देख सकते हैं आपका ट्रैश एकदम खाली हो चुका है, और जो पेज आप हटाना चाहते थे वो पूरी तरह से अब डिलीट हो चुका है। तो वेल, ये था तरीका, काफ़ी आसान था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा किस तरह आप पर्टिकुलर पोस्ट और आर्टिकल को अपनी वर्डप्रेस की साइट से हटा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।